हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश जी पर। दोस्तों, आज है 14 सितंबर और आज हम मनाते हैं हिंदी दिवस। तो हम हैं अभी जीराटी ट्रेनिंग सेंटर में। यहाँ पर सभी छात्र आज और सभी शिक्षकगण, सभी इंस्ट्रक्टर और प्रिंसिपल के साथ करने वाले हैं जीराटी के अंदर हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन। इससे पहले एक हफ्ता पहले आयोजन किया गया था हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ ऐसे कंपटीशन कंपटीशन, तो उसका आज पुरस्कार भी वितरण होगा। ये हमारे प्रिंसिपल सर आ चुके हैं और नेगी सर जो हैं राजभाषा के शिक्षक हैं और इंस्ट्रक्टर है, तो ये अभी संबोधित कर रहे हैं सभी इंस्ट्रक्टर्स को, प्रिंसिपल को और सभी हम सीसीटीसी स्टेशन मास्टर प्रो गुड्स गार्ड्स को। ये देख सकते हैं आप, ये स्टेशन मास्टर जो सफ़ेद कपड़े में है, ब्लैक वाइट जो है, ये सीसीटीसी हैं दोस्तों। और ये है नेगी सर जो नॉर्थ के उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर राजभाषा के ये इंस्ट्रक्टर हैं सर। प्रिंसिपल सर आ चुके हैं, अपना संबोधन देंगे सभी छात्रों के बीच और शिक्षकों के बीच। ये यादागिरी सर हैं, तो ये सर अभी जो इंडियन रेलवे के द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर ये कुछ नोटिस है, मैसेज संदेश दिया गया है, उसे सभी को दोहराया जाना है शपथ की तरह। तो सभी बच्चे दोहराते हुए, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक बहुभाषी देश है और विभिन्न भारतीय भाषाओं का साथ समन्वय स्थापित करते हुए जनमानस में विशेष स्थान प्राप्त किया है। क्या है भारतीय रेल राजभाषा के लिए सदैव सजग रही है राजभाषा। और ये सभी वाइस प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर लोग एक कतार में खड़े हैं। वर्ष 2021-22 का प्रति राजभाषा शीत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सभी रेलकर्मा कर्मी इसके बधाई के सामूहिक प्रयासों से देश में हिंदी के प्रचार प्रसार। हम देख सकते हैं, ये है प्रिंसिपल सर यदागिरी सर। जय हिंद। प्रिंसिपल सर का संबोधन समाप्त हुआ, अब शुरुआत होगी नेगी सर को संबोधित करते हुए और हमारे ओएस सर संबोधित करेंगे। और उसको सबसे बढ़िया ढंग से प्रचार प्रसार का माध्यम है हम इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करें जिसमें अधिक से अधिक साथी कर्मचारी प्रशिक्षण। तो ये प्रतियोगिता के बारे में बता रहे हैं जो एक हफ्ता पहले आयोजित हुई थी और इसमें बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, हमारे बैच के भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। हमने भाग नहीं लिया था क्योंकि हम तैयार नहीं हुए थे, तो भाग नहीं ले पाए थे। और इसी दिशा में हमने 14 सितंबर के अवसर पर अपने ZRTA कार्यालय में प्रशिक्षणार्थियों के लिए और हमारे साथी कर्मचारियों के लिए कुछ प्रतियोगिता आयोजित की जिनमें 8 तारीख को हिंदी निबंध प्रतियोगिता और हिंदी टिप्पणी। ये एक साथ प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर हिंदी वाक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारे साथी कर्मचारियों के लिए हमने 13 तारीख को हिंदी कार्यशाला और हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। खुशी की बात यह है कि इसमें लगभग 50 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया और इन सभी को आज यहां पर सम्मानित किया जाएगा। तो मैं पुरस्कार देने से पहले हमारे आज सभी को संबोधित कर रहे हैं सभी के सम्मान के लिए। नाम पढ़े तो इस्तेमाल किया है भारत नाम। और ये रघुराम सर हैं ओएस, तो जो सभी कैंडिडेट को बारी बारी से अभी बुलाने वाले हैं सम्मानित करने के लिए स्टेज पर। उसके साथ हिंदी भी अपनाएंगे जोरदार से और हर साल बढ़ाते जाएंगे हिंदी का उपयोग हमारा कार्य में। धन्यवाद नेगी जी। तो पहला प्राइज विनर्स कॉम्पिटिशंस में राजकुमार पार्टिसिपेशन, क्योंकि भाग लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ राजकुमार यू प्रोसीसी। और हमारे साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर्स को ही यहाँ पर
पुरस्कृत किया जाता है, बल्कि जो भाग लेते हैं उन्हें भी सांत्वना पुरस्कार के तौर पे आमंत्रित किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। दोस्तों तो ये सांत्वना पुरस्कार की कड़ी से शुरू हो रही है, जो भाग लिए थे भले ही कोई स्थान प्राप्त नहीं कर पाए हो, लेकिन उन्होंने भाग लिया और हिंदी को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहित करने का काम किया। इस तरीके से बारी बारी से सभी लोग आते हुए और प्रिंसिपल के हाथों सम्मानित होते हुए ललित कुमार प्रोसीसी 7/23 ललित कुमार अली बजाओ यार। अनिल कुमार की प्रोसीसी 7/23 तालियां तालियां बजते रहना चाहिए। महेंद्र कुमार मीना प्रोसीसी 7/23 वंदना कश्यप तालियां गूंजते रहना चाहिए। राजा कुमार प्रोसीसी 8/23 ये प्रोसीसी टीसी है, महिलाओं का ड्रेस ऐसा होता है, जबकि पुरुष का ड्रेस आपको पता है ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट होता है। चंदन कुमार यंग प्रोसीसी 8/23 ये हमारे बैच के राजा कुमार है। नेक्स्ट चंदन कुमार बी बॉम्बे ये भी चंदन कुमार हमारे ही बैच के हैं। अमीर कुमार प्रोसीसी 9 ये भी चंदन कुमार हमारे ही बैच के हैं। हमीर कुमार हमारे ही रूम के पड़ोस वाले रूम के हैं, 9/23 बैच के हैं। दीपक कुमार प्रोसीसी 9/23 और ये भी मीना जी 9/23 बैच के हैं। पंकज कुमार और अगला है प्रिंस कुमार प्रोसीसी 9/23 मेशराम मीना प्रोसीसी 9/23 रोहिता प्रदीप यस मंडपे संजीत कुमार सुमन के बाद में अजीत कुमार उसके बाद में है अरविंद कुमार मीना अजीत कुमार नेक्स्ट अरविंद कुमार मीना नेक्स्ट आनंद कुमार गुप्ता प्रोएसएम 4/23 आनंद कुमार गुप्तिया अगला भाग लेने वाला है किशोर कुमार रे प्रोएसएम 4/23 किशोर कुमार रे पंचोली प्रोएसएम 4/23 रविंकार नाथ प्रोगार्ड 18/23 तथागत मिश्रा प्रोगार्ड 18/23 और एक प्रोगार्ड अलोक कुमार पाठक प्रोगार्ड 18/23 ये सारे लोग अभी 23 तो सारे लोग पुरस्कार प्राप्ति है। इससे पहले जो पढ़ा है वो भाग लेने के लिए है, ये सारा पुरस्कार है, ये प्रेरणा देने के लिए सांत्वना पुरस्कार नंबर 5 विकास कुमार प्रोसीसी 7/23 सांत्वना 4 पृथ्वीराज यादव प्रोसीसी 8/23 आ जाइए इधर से आ जाइए सांत्वना 3 तीसरे आदमी पे मनीष कुमार प्रो एस एम 4/23
मनीष कुमार प्रो एसएम 4x23। तो पांचवा सांत्वना पुरस्कार है पृथ्वी तिवारी प्रोसेसी 9 और हिंदी कंपटीशन में तीसरा स्थान पाया। तीसरे स्थान पर विजय शंकर दास प्रो एसएम 3x23। द्वितीय स्थान पर है सत्यम, उठते रहना चाहिए। विनोद मीना तारिया गोल से रहना चाहिए। प्रथम स्थान पर हिंदी हिंदी कॉम्पिटिशन में ऐसे कॉम्पिटिशन 23। नेक्स्ट और अगला है स्ट्रिंग एसएम 4x23। अगला का है कृष्ण मनीष राजपूत और पांचवा है राहुल कुमार प्रोसीसी 9x23। हिंदी नोटिंग और ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशन में तीसरा स्थान 4x23। द्वितीय स्थान पर है गुंडाले नितिन भाई, तालियां बजते रहना चाहिए। और प्रथम स्थान पर है और अगला पुरस्कार है अगला है अजय कुमार यादव प्रो एसएम 4x23। है रंजनि पी चारे रंजनि प्रो एसएम 4x23। अगला सांत्वना है केशव कुमार झा प्रोसीसी 9x23। केशव कुमार झा और एक सांत्वना पुरस्कार है अमन कुमार प्रो एसएम 4x23। स्थान पे है विकास त्रिवेदी प्रोसीसी। स्थान पर है विकास त्रिवेदी प्रोसीसी 8x23। द्वितीय स्थान पर विकास कुमार पांडे और प्रथम स्थान पर है प्रभुदास प्रधान प्रोएशन 4x23। प्रथम स्थान पर पाया है भाग लिया है और पांच पे तेरी और एक है एन सुब्बा राव सीनियर और
रहेगा, सिर्फ हिंदी वाले नहीं, तेलुगु वाले करे तो उनसे ज्यादा मिलेगा आपको। तो तेलुगु वाले और अन्य भाषा लोग भी, आप पैसा तो भी लिखना ही है, यदि आप हिंदी में लिखने की जी। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा, ये प्रतियोगिताएं सभी के लिए खुली हैं। इसमें मैंने देखा कि केवल हिंदी भाषी कर्मचारियों ने ज्यादा भाग लिया, जो तेलुगु भाषी है जो किसी प्रकार से अपने को बचाते रहे या शर्म के मारे कि हम क्या लिखेंगे। मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि अहिंदी भाषी को सभी प्रतियोगिता में जो हमारे पास मानक है, स्टैंडर्ड है, उनमें 10% ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, 10% बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोग अपनी इच्छा दूर कीजिए, जितना हो सके हिंदी प्रतियोगिता में भाग लेते रहिए, ये सभी के लिए खुली है। ये हैं चीफ इंस्ट्रक्टर कमर्शियल के करुणाकर सर, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा गुजबम्स और तालियां बजी। पहले प्रिंसिपल सर वाइस प्रिंसिपल सर को सम्मानित कर रहे हैं और इसके साथ साथ फिर से वाइस प्रिंसिपल सर के द्वारा प्रिंसिपल सर को सम्मानित किया जाएगा और वाइस प्रिंसिपल बहुत ही एक्साइटेड हैं प्रिंसिपल सर को सम्मानित करने के लिए और ये कुछ वक्तव्य देंगे इस बारे में, आप यहाँ पर सुनिएगा। हिंदी दिवस है, मैंने साथियों से अनुरोध किया था यदि कोई छोटी लघु नाटिका वगैरह जिससे हिंदी का विकास हो, तो मुझे आज एक व्हाट्सएप पे बहुत छोटी प्यारी कविता हिंदी की मिली। कार्यक्रम का अंत करने से पहले चांदी जैसी उज्जवल हिंदी, गंगा जैसी निर्मल हिंदी, माटी की सुगंध है हिंदी, ममता का आंचल है हिंदी, करुणा का सागर है हिंदी, ब्रह्मा का वरदान है हिंदी, सरस्वती का सम्मान है हिंदी, उर्दू की भगिनी है हिंदी, मराठी की संगीनी है हिंदी, गुजराती में गौरव हिंदी, पंजाबी की प्रीत है हिंदी, कर्मयोगी का सार है हिंदी, संस्कृत का अवतार है हिंदी, वेद पुराणों का ज्ञान है हिंदी, अपनों की पहचान है हिंदी, जय भारत जय हिंदी। तो साथियों कार्यक्रम संपन्न, सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन कर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन करना है। अंतिम चरण में धन्यवाद ज्ञापन। तो सबसे पहले मैं माननीय प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके नेतृत्व में हम सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर ने कभी भी हिंदी काम के लिए मना नहीं किया, बल्कि बोलते हैं इसे और आगे बढ़ाओ, हिंदी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और ये बात मुझे बार बार ऐसे खुशी रहती है कि मैं इसमें कोई कमी ना रखूं। धन्यवाद सर। हमारे माननीय वाइस प्रिंसिपल सर जो कि हिंदी में बहुत अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा हिंदी लिखते हैं, तो आज उन्होंने भी यहाँ पर पुरस्कार ग्रहण किया, ये आपके काम की सराहना का एक उदाहरण है सर। इसके बाद हमारे चीफ होस्ट मैडम और मेरे सभी साथी अनुदेशक गण, जिनके सहयोग से हम इतने बच्चों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित कर सके, साथ ही हमारे गौ साहब जिनकी कृपा से हम लोग यहाँ पर अपनी आवाज आप तक पहुँचा रहे हैं, और अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों का सहयोग नहीं होगा, पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो हम इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते थे। कार्यक्रम अब समापन होने वाला है, नेगी सर अपना संबोधन भाषण समाप्त कर रहे हैं, लड़के तालियों से अभिवादन कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्लीज।